हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारानी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ यूके 02 ब्लॉगर जिनका भैया का चैनल डिलीट हो गया है, दीपक भैया। तो आज की वीडियो जो है वो दीपक भैया के लिए है। सबसे पहले तो बता दूं कि जो लोग इस गलत फहमी में है ना कि यूट्यूब ने उनका चैनल डिलीट किया है या फिर उनके चैनल पर किसी ने स्ट्राइक दी है या फिर ये हुआ है या फिर वो रिएक्शन दे देते हैं उनका चैनल इसलिए डिलीट हुआ है, तो उनका चैनल इसलिए डिलीट नहीं हुआ है। उनका चैनल किसी ने हैक कर लिया है, सबसे उससे पहले भी एक बार बताना चाहती हूँ, जो मैंने थंबनेल लगाया हुआ है कि अच्छा हुआ इनका चैनल डिलीट हो गया, ये उन लोगों के लिए लगाया हुआ है जो लोग इस चीज़ का जश्न बना रहे हैं, जो लोग इस चीज़ के लिए खुशी बना रहे हैं ताकि वो भी आ सकें और उसको सुन सकें और उनको थोड़ी बहुत शर्म आ जाए जो फालतू में मतलब किसी की दुख का मजाक बना रहे हैं। तो ये थंबनेल उनके लिए बनाया गया है स्पेशली। तो थंबनेल को देखकर कमेंट ना करें, पहले वीडियो फुल वॉच करें उसके बाद ही कमेंट करें। तो उनका जो चैनल है वो हैक हुआ है और हैक होना, किसी का भी चैनल हैक हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि उनका हुआ है, किसी का भी हो सकता है। बहुत बहुत माइंडेड आदमी है टेक्नोलॉजी के जो कि ये सब काम करते रहते हैं, लेकिन मिलना कुछ नहीं है इस चीज़ से उन्हें भी, बस दूसरों की आत्मा दुखाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक बंदा जीरो से स्टार्ट करता है और 21,000 तक उसका जाना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक एक सब्सक्राइबर जब जुड़ता है ना हमारा, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आज हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ा, आज हमारे 2 सब्सक्राइबर बढ़े, लेकिन एकदम से उसका चले जाना वो बहुत बड़ा सदमा होता है, बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। मुझे पता है, मेरे साथ भी ये सब कुछ हो चुका है। तो इसलिए दीपक भैया स्पेशली वीडियो आपके लिए है, तो आप ध्यान से सुनना। पहले तो सबसे पहली बात, तो इनका जो चैनल था वो इनके वाइफ के फ़ोन में भी लॉगिन था। मैं वीडियो कल भी बना सकते थे, लेकिन जब तक किसी चीज़ के बारे में अच्छे जानकारी ना हो तो मैं समझती नहीं कि वीडियो बनानी चाहिए। तो दीपक भैया की वाइफ के फ़ोन में भी इनका जो चैनल है वो लॉगिन था और इनके फ़ोन में भी लॉगिन था। ये रहते हैं पूना महाराष्ट्र में और इनकी वाइफ रहती हैं झांसी उत्तराखंड के, बताया था उन्होंने, बागेश्वर जिले से रहते हैं शायद ये। तो सबसे पहले तो अपना जो चैनल है वो एक ही फ़ोन में लॉगिन रखो, कभी भी 2 फ़ोनों में लॉगिन मत करो। पता नहीं कौन था, जहाँ तक मैं जानती हूँ, देखो इतना बड़ा यूट्यूब चैनल तो इनका था नहीं, ना ही इतनी इनकम आ रही थी कि जो हैकर्स होते हैं वो चैनल को हैक कर लेते हैं और उस चैनल को देने के बदले में पैसे मांगते हैं। तो देखो ऐसा तो वो था नहीं, वो जो भी था वो इनसे जलता था, नहीं देखी जा रही थी इनकी तरक्की, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। तो हो सकता है कि इनकी वाइफ के फ़ोन से छेड़छाड़ की गई हो, वहाँ पर पासवर्ड लिया गया हो, या फिर इनके किसी दोस्त को पता हो इनका पासवर्ड वगैरह। जहाँ से भी हुआ है मतलब बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। पर्सनल दुश्मनी भी, देखो यूट्यूब पर हम सब लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और बुरे वक्त में दूसरे का साथ नहीं देंगे। अगर आज दीपक भैया की जगह कोई और भी होता ना जिसका चैनल डिलीट हो गया होता, चाहे उसमें निंजा ही होती, अगर उसका चैनल भी डिलीट हो गया होता ना, या फिर किसी का भी A to Z चैनल डिलीट हो गया होता, चाहे भागरथी और बिष्टि क्यों ना होते, तो मैं उनके लिए भी वीडियो बनाती, क्योंकि हर कोई अपनी मेहनत करता है, मेहनत से ही यहाँ तक पहुँचता है। तो मैं हर किसी के लिए वीडियो बनाती, ये नहीं कि इनके लिए, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया मैं इनके लिए बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनकी जगह कोई और भी होता ना, जिसको मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानती हूँ, लेकिन जो लोग मुझे अपना दुश्मन मानते हैं ना या मुझसे चिढ़ते हैं, अगर वो उन लोगों का भी कुछ चैनल डिलीट होता ना, तो मैं उनके लिए भी आज वीडियो बनाती। तो सबसे पहली बात तो, और सेकंड बात, कभी भी जब आप गूगल पे अपना गूगल आईडी बनाते हो तो हमेशा 2-स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा कर लिया करें, क्योंकि अगर आपका 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगा, सेटिंग ऑन होगी, तो जब भी आपके गूगल के साथ या पासवर्ड के साथ कोई भी छेड़खानी करेगा तो उससे पहले आपके पास OTP आ जाएगा और उस 4 डिजिट की OTP के बिना वो आपका चैनल नहीं खोल सकता। तो हमेशा अपना 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें गूगल पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जब अगर कोई भी हमारा पासवर्ड हमारा चैनल हैक करना चाहता है या अपना पासवर्ड चेंज करना चाहता है, तो उससे पहले हमारे पास OTP आ जाएगा और उस OTP के बिना वो हमारा चैनल नहीं खोल सकता। तो अपना नंबर वेरीफाई ज़रूरी है और अपना 2-स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप गूगल पे अपनी ID बनाते हो उस टाइम पर। तो अब भैया का चैनल डिलीट हो गया है,
मतलब जो भी था जिसने भी हैक किया वो तो गलत किया, पर एक तरह से पर्सनल दुश्मनी निकाली है इनके साथ। ऐसे तो नहीं किसी ने, बड़े हैकर्स ने किसी ने नहीं किया है, वो किसी ने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली है जो कि बहुत गलत है, क्योंकि एक बंदा बहुत मेहनत कर यहाँ तक पहुँचता है। और किसी रिएक्शन चैनल की वजह से या किसी भी वजह से इनका चैनल नहीं उड़ाया है, ठीक है, यूट्यूब ने इनका चैनल नहीं उड़ाया है, इनका चैनल उड़ाया है इनके ही किसी अपने ने। सेकंड, मैं एक बात करना चाहूँगी दीपक भैया स्पेशली आपसे, ये रोना धोना छोड़ो, आप जितना रोओगे धोगे उतना लोग आपको कमज़ोर समझेंगे। उठो, फिर से मेहनत करो, जो आपके सब्सक्राइबर हैं जिनको आपकी वीडियो पसंद आती हैं वो ज़रूर आपके पास तक दोबारा ज़रूर आएंगे, ठीक है। डीमोटिवेट मत हो, मोटिवेट हो, देखो मतलब आप एक दिन में आपके 67 सब्सक्राइबर हो सकते हैं, तो आप मेहनत करो, फिर से वीडियो बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों के दो दो वीडियो में उनके चैनल मोनेटाइज जाते हैं, अगर आपके अंदर काबिलियत है ना तो आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता, आप आगे बढ़ो। डीमोटिवेट मत हो कि मैंने खाना नहीं खाया और मेरा 4 दिन से किसी काम में मन नहीं लग रहा है। अरे ये तो एक तरह का बिजनेस होता है, जैसे बिजनेस में तो हमारा प्रॉफिट लॉस होता है कई जगह पर। कल मैं आपकी वीडियो पर एक कमेंट देख रही थी जिसमें कमेंट था कि भाई आपका तो चैनल हैक हुआ है, मेरे अकाउंट से तो 50,000 रुपये निकाल लिए। तो ये हर किसी के साथ होता रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी अच्छा कभी बुरा, हर किसी के लाइफ में लगा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोने धोने बैठ जाओ, अपने काम धाम छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, क्योंकि एक आपकी जो लाइफ है ना वो सिर्फ आपकी लाइफ नहीं है, आपके पीछे आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, आपके माँ बाप भी हैं, ठीक है। एक यूट्यूब चैनल की वजह से क्या आप अपना खाना पीना सब छोड़ दोगे, मतलब कि बिल्कुल पागल हो जाओगे एक यूट्यूब चैनल के पीछे? अरे फिर उठो, आपके अंदर काबिलियत है, आप फिर उठो, फिर आगे बढ़ो। हो सकता है आपका आज 21,000 डिलीट हुआ है, कल आपका 21 लाख हो जाए, कुछ नहीं पता। मेहनत करो, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। आप मेरा चैनल, आप मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा चैनल डिलीट हो गया था आज से 2 साल पहले, जब उस चैनल पर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर थे, मतलब 9.5 के आसपास से 10,000 होने वाले थे। और किस वजह से डिलीट हुआ? किसी ने यूट्यूब ने डिलीट किया, क्यों? क्योंकि और मैंने उस पर परी के साथ, मतलब परी, हम यूट्यूब पर किसी भी बच्चे के साथ मतलब मारना पीटना या किसी तरह की पनिशमेंट नहीं दे सकते हम यूट्यूब पर बच्चे को वीडियो में। तो अगर हम ऐसा देते हैं तो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है और हमारा चैनल डिलीट हो जाता है। बहुत सारे लोगों का चैनल डिलीट हुआ है कि जो बच्चों के साथ पनिशमेंट वीडियो बनाते हैं, टीचर स्टूडेंट वीडियो बनाते हैं, तो इनकी वजह से बहुत सारे चैनल डिलीट हुए हैं। तो मैंने भी वो परी के साथ एक पनिशमेंट, मतलब एक स्कूल टीचर एक पनिशमेंट वाली वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने उसको पनिशमेंट दी थी, तो उसके चलते यूट्यूब ने मेरा चैनल डिलीट कर देता, ठीक है। आप देखो 10,000 का चैनल डिलीट हुआ 2 साल पहले, मैंने 1 साल बिल्कुल काम नहीं किया, फिर मैंने यूट्यूब छोड़ दिया। मैं खुद कहती हूँ मैं खुद मतलब वो हो गई थी, मैंने यूट्यूब छोड़ दिया अपना बिल्कुल, लेकिन उसके बाद मैं दोबारा उठी। मैंने जनवरी 2023 में अपना फिर यूट्यूब चैनल बनाया और जनवरी 2024 में मेरे फिर 8,000 सब्सक्राइबर हो गए, मतलब 8,000 होने वाले हैं, है ना, 7,500 सब्सक्राइबर हो गए। तो हारना नहीं है किसी चीज़ से। और उस चैनल पर मेरी एक भी पेमेंट नहीं आई थी दो साल में मेरी एक भी पेमेंट नहीं आई थी उस चैनल पर। दो साल में मोनेटाइज हुआ था, 8,000 सब्सक्राइबर हुए थे जब मेरी पेमेंट आने वाली थी, उस टाइम पे मेरा चैनल डिलीट हुआ था। और इस चैनल से मैंने 5 पेमेंट रिसीव कर ली हैं 1 साल के अंदर। तो आप मतलब हारो मत, हर अगर हमारे से लाइफ से कोई चीज़ जाती है ना तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब मेरी लाइफ से वो चैनल गया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला यूट्यूब के बारे में, कि बच्चे को पनिशमेंट नहीं देनी है, बच्चे से यूट्यूब पर अच्छी लैंग्वेज का यूज करना है, गंदी लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। चाहे जो लोग बोलते हैं ना कि इसके चैनल पर जाकर कंप्लेन करो, तो चाहे हमारे चैनल पर जाकर कोई 1,000 कंप्लेन कर ले, रिपोर्ट कर ले, हमारा वीडियो डिलीट नहीं होगा। चाहे कितने भी लोग आकर मेरी हमारी वीडियो पर रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट कर दो उस चैनल पर, चाहे कितनी ही रिपोर्ट कर दो हमारे चैनल पर, हमारा चैनल डिलीट नहीं होता। क्योंकि ऐसा नहीं, यूट्यूब वाले पागल नहीं है कि किसी ने हमारे चैनल पर रिपोर्ट मार दी और हम उसको वो उसको डिलीट कर देगा, नहीं, पहले वो उसको सर्च करेगा, अगर वो सही है तो उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो डीमोनेटाइज मत हो, उठो, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है ना उनको फिर से उठकर दिखाओ और फिर दिखाओ कि आज तुमने मुझे यहाँ डिलीट, यहाँ पर मुझे गिराया था, आज मैं फिर यहाँ पर उठ गया हूँ। तो उनका मुंह पे अपने आप ही तमाचा लग जाएगा, उनका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। लेकिन आप रोओगे धोओगे खाना नहीं खाओगे, बीपी लो हो गया, ये हो गया, उससे क्या होगा? वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, वो ये तो चाहते थे कि आप नीचे गिरो, आप परेशान हो, आप रो, कुछ नहीं हासिल होगा। कुछ करोगे
तो ऊपर वाला भी साथ देता है, अगर कुछ नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी साथ नहीं देगा, ठीक है। और कुछ हमारी चीज़ हाथ जाती है ना, तो उससे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका भी मेरा भी चैनल डिलीट हुआ था और आज मैं फिर यहाँ बैठी हूँ देखो, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको अब, और लाइफ में आगे बढ़ो, जब आप मेहनत करोगे ना तो ऊपर वाला हमेशा साथ देता है। तो आप मेहनत करो, पीछे जो गया गया, पीछे मुड़ के मत देखो, आगे चलो, आगे जो है उसको फॉलो करो। तो मैंने एक चीज़ और ने की थी मंजू नेगी, जो कि हमेशा ही मतलब मेरे खिलाफ तो हमेशा ही बोलती है, निंजा की सपोर्टर है, लेकिन उस बंदी ने भी तुम्हारे चैनल पर कमेंट किया और बोला भैया निराश ना हो। तो आप देखो बहुत पब्लिक है, मन यार हम यूट्यूबर हैं और आप कमेंट करने वाले हो, बहुत सारे लोग उल्टे सीधा बोल देते हैं एक दूसरे को यूट्यूब पर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों की पर्सनल दुश्मनी हो गई है, यार ये यूट्यूब है, इस पर थोड़ा बहुत चलता रहता है ऊपर नीचे, आज इनके साथ हुआ है कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आज हम इनकी हेल्प करेंगे तो कल को भगवान हमारी भी हेल्प करेगा, कभी भी देने से कम नहीं आती, कहते हैं ना किसी को दान दे दिया तो उससे कमी नहीं आती, उससे भगवान दुगना देता है। तो मैं यही कहूँगी भैया आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के मत देखो, जो हो गया सो हो गया, लाइफ में आगे बढ़ो, और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आओ, और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आओ। आपको रिएक्शंस देने हैं, रिएक्शंस दो, अच्छी लैंग्वेज में दो, अच्छी भाषा में दो, गाली गलौज उल्टा सीधा मत बोलो किसी को भी, अच्छी लैंग्वेज दो, अच्छी भाषा में दो। रिएक्शन चैनल यूट्यूब के अंदर ही आते हैं, तभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन में हम किसी के खिलाफ ही बोलें, हम सपोर्टिव वीडियो भी बना सकते हैं, सपोर्ट में वीडियो बनाओ। मैंने आज तक बहुत से लोगों को सपोर्ट में वीडियो बनाई है और आज तक वो सब लोग याद करते हैं, और उसी वजह से मेरे जो चैनल देखो, मेरे चैनल पे मैंने एक मेरा चैनल डिलीट हुआ उसके बाद एक साल मैंने कुछ काम नहीं किया यूट्यूब पर, आपकी तरह मैं भी हो गई थी। उसके बाद फिर मैं दोबारा उठी, फिर यूट्यूब चैनल बनाया, और जो वो सब्सक्राइबर थे ना मेरे पुराने 2 साल पहले, वो मेरे इस चैनल पर आकर जुड़े, क्योंकि हमारी फेस वैल्यू बन जाती है यूट्यूब पर, कोई हमारे नाम से ना पहचाने पर फेस से पहचान लेते हैं, और जिनको हम पसंद होते हैं ना वो हमारे चैनल पर आते हैं दोबारा से, हमें फिर सपोर्ट करते हैं, फिर खड़ा करते हैं। तो लोगों को मोटिवेट करो, डिमोटिवेट मत करो, क्योंकि आज इनकी बारी है तो कल तुम्हारी बारी भी हो सकती है, कल मेरी बारी भी हो सकती है, ठीक है। मत हारो, चलो आगे, जो होगा देखा जाएगा, फिर से मेहनत करो। 21,000 रुपये डिलीट हुआ है, कभी 21 लाख भी होंगे, एंड बेस्ट ऑफ लक। चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।